तो आपने मतलब शुरू कब किया ये पूरा? 1951 जब पहले हमारे लेक्चर। फाइनली मंडे है, बायजूस की दिहाड़ी से छुट्टी मिलते हुए, तो देखते हैं आगे का दिन कैसा चलता है, है ना। दिन वन तो कुछ नहीं है ना भाई, बढ़िया, कहीं अच्छी जगह नाश्ता वास्ता करने चलते, देखते हैं यहाँ पे क्या अच्छा है। ये देखो, ये होता है जब एक बैचलर के आप होटल में रहते हैं, राइट। ये देखो फैला हुआ, ये रहने दो, ये नहीं है फैला हुआ, ये अभी वापस रखती है। सो ये सिनेरियो होता है। चल रहे भैया, पक्का चल रहे, चलो। भैया निकल गए, ओके ना, अब अपने को भी निकलना पड़ेगा। चाबी फक दो। चलो भैया आते हैं, मैं अच्छा करते आना ऐसे। हाँ ये देखो, अरे मुझे ये देखो, इनके हम होटल में रह रहे हैं, है ना, बढ़िया। इन्होंने 10-12 दिन हमारा काफी अच्छे से ख्याल रखे। भैया आप एक यहाँ वो कोई पंडित जी के पराठे वाला है, पंडित जी इनके पराठे बताओ ना किस तरफ पे? पीछे इधर, इस साइड पीछे, इधर से चले जाने, इधर से किसी से। अच्छा 1 किलोमीटर, 4। अच्छा मतलब चल के जा सकते हैं ना। चलिए धन्यवाद भैया। कहाँ है भैया? इधर इधर इधर, ओ खो गए हम कहाँ। गाइस देखिए, मैंने इन्हें कहा था पूछने के लिए, अबे कुछ है पराठे खाने, पेपर नहीं लिखना है अभी, पेपर में काफ़ी टाइम है अभी। भाई माइंड योर स्टेप्स। गाइस और हम चू मंत्र गली में जाते हुए, हैरी पॉटर हिंदी में देखिए वो बहेंगे, सही में चू मंत्र गली है। तो आई जस्ट आस्क्ड समबडी अबाउट दिस पंडित जी के परांठे, फेमस प्लेस, फेमस ईटरी। ही टोल्ड मी दैट इट्स जस्ट अराउंड 1 किलोमीटर, यू कैन पे 30 रुपीज फॉर द रिक्शा। आई सेड व्हाई द फक वुड आई पे 30 रुपीज टू ट्रैवल जस्ट 1 किलोमीटर, आई कैन वॉक। मोस्ट ऑफ माई डियर फ्रेंड्स, If you cannot walk, in short, इनके कहने का मतलब है कि है ना हम चल के जा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है इसमें। If you can't fucking walk a kilometer on a free day, you need to seriously reconsider your life. You need to reconsider. So we are reconsidering our life and we are walking 1 kilometer. That's it. चलो खाने चलते हैं भाई, बहुत हो गया। ओ भाई हाई फाई। क्लासिक ओल्ड दिल्ली फील है, दैट ओल्ड लुधियाना, यही पर। कैप्चर करने वाला हूँ, देख नाम देख ऊपर कहाँ तो देख, झंडू दी हट्टी, झंडू दी हट्टी। Guys, this is something different. यहाँ से तो फाइनली गाइज वी हैव अराइव पंडित जी के पराठे। चलो देखते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन लेवल। कुछ मंगवाते भैया, मेन्यू ला दो, मेन्यू ला दो। क्या क्या किस टाइप के? नहीं नहीं रुको रुको, हाँ ठीक है, तीनों एक एक पराठे ले आओ। साथ में क्या है? चाय, बटर, क्या है? दही है, बटर है, बटर की दही। आई एम अ बटर पर्सन, यू आर अ दही पर्सन। बटर ही डाल के ले आओ भैया, एक एक दो, तीन बटर, एक एक बटर और दो चाय। पर चाय भाई गुड़ वाली, हाथ जोड़ के विनती है, मीठा कम रखना। मेरे को पता है पंजाब का मीठा कम, कुछ और थोड़ा और कम कर दो।
वैसे इनकी वैसे भी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज रन करता है भाई। नहीं बात इनकी सही है एक्चुअली। हां 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 हमारा इनकी बात सही है क्योंकि हम जितने भी घर गए हमें चाय काफी मीठी पीने के लिए मिली। जिस भी कस्टमर के घर गए भाई चाय पता नहीं चाय थी क्या थी, मतलब हमारे घर में चाय बहुत अच्छी बनाता है। लाओ है ना बड़ी अच्छा है ऐसा लग रहा था मैं चाशनी गोली। नो ऑफेंस बट शक्कर थोड़ी सी ज्यादा रहती है। घर आप ये बोल भी नहीं सकते हैं कि अरे क्या ले आए यार ये। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गट्टी थोड़ी सी साइड में कॉल करो, प्रार्थना की और ध्यान नहीं दे रहे कि आपने चाय छोड़ दी। गाइस खाना आ चुका है। यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क। अरे यार नहीं भूल गया ना दो होगा कहीं बात नहीं रुको ठीक है। अभी ये पनीर पनीर की आधा इधर आधा इधर जाओ आधे उधर जाओ। Tell me your review, how it is, how was it? The first one is I think aloo paranda. Fair enough. Hmm. Ajwain, nice. Okay, ajwain. The butter is Amul butter, so there is nothing to tell about the butter. The onion and the potatoes have been. It's not properly. Amul butter, it's something Verka butter. Oh, Verka. भेड़ का। I always used to tease my अरे हिंदी भाई चलो आगे। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत छेड़ता था। हमारी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल में वेरका का दूध और वेरका के प्रोडक्ट्स मिलते थे। जब भी वो इनके छेड़ने का मतलब वो वाला छेड़ना नहीं है। नहीं नहीं छेड़ता था यार हम क्या करें और छेड़ भी जाती। बड़े हरामी हो बेटे। मैं कहता था अच्छा तुम भेड़ का दूध पीते हो, तो बोलते भेड़ का नहीं वेरका का दूध है। अच्छा वो वेर का कोई लड़की नहीं थी आपके कॉलेज में। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे भी खाना है। एंकर यार ये कैमरा संभालना उतना आसान भी नहीं है। आलू पराठा इज गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज गोभी पराठा। See, this is I don't know why, but maybe it's the fertilizer, maybe it's the land, but cauliflower in Punjab is different than cauliflower from Himachal or any other place where I've had cauliflower. ठीक है जल्दी आखिरी वाला खाओ वरना मैं खाना जो I mean it's a refreshing taste. It seems fresh, but it also seems I almost feel as if भाड़ में जाओ। It's not भाड़ में जाओ तुम लोग है ना, मैं जा रहा हूँ खाने है ना। ये देखो ये पराठे चीख चीख के मुझे बुला रहे थे। अब पनीर पराठा going to the paneer paratha see jaldi similar to the aloo paratha but you get the cheesy okay in short parathe acche hai na wo abhi hum dekhte hain khate hain aur uske baad batate hain bye bye 11% so chai is like hell hai na bhai gud wali chai aur song theek hai badhiya dekho See, मुझे नहीं see, पता मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये चीज मुझे बोलनी चाहिए या नहीं। यू आर अ ब्रांड व्हेन यू नो यू हैव कस्टमाइज्ड टिश्यूज। एग्जैक्टली देखिए मुझे ये चीज बोलनी चाहिए या नहीं पता नहीं है ना, बट चाय लवर्स है ना, गौरव सर को देख के हम भी चाय लवर टाइप हो गए है ना। और गुड़ वाली चाय सर आपके लिए है ना, अगर इनकेस ये व्लॉग कभी अपलोड होता है ना और कभी आप हमारे चैनल पर आ जाते तो सर ये चाय आपके नाम की। And this tells me if you want to enjoy products you can come here, but even if you want to enjoy the good tea and good time with your friends you can come here. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पराठे खाने हैं, चाय पीने भी आ सकते हो, बहुत बढ़िया चाय है। और हाँ हाथ जोड़ के विनती करना कि चीनी या गुड़ जो भी है वो कम डालें क्योंकि पंजाब का मीठा और बाकी भारत का मीठा लेवल कुछ फर्क है। सो एंजॉय द चाय। भैया अच्छा खाना था है ना। अच्छा अरे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं नया था तो मैंने पूछा कि कहाँ जाए कोई अच्छी जगह बताओ खाने की, तो कह रहे पंडित के पराठे वाले जाओ। अब याद रखोगे तो मुझे। एक टैक्सी वाले ने हमें रेकमेंड किया था कि पंडित जी के पराठे बड़े फेमस हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे घंटाघर में होटल एक है रहे यहाँ पे चौक पे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर चल के स्पेशली कि भूख बढ़े और हम ज़्यादा पराठे खा पाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है।
अच्छा आपकी ब्रांचेस भी है यहाँ पे? अरे मैंने कहा था ब्रांड है शुरू कब किया ये पूरा? 1951 जब पहले हमारे आपकी एज कितनी है सर? 50 का बर्थ है मेरा। ओ बाप रे। मतलब आपके पिताजी दादाजी ने? अच्छा अच्छा आपके पिताजी ने शुरू किया। आप सब बेसिकली लुधियाना से ही फैमिली थी? हम बेसिकली बांगड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल तो थोड़ी दूर है। नहीं मैं खुद हिमाचल से हूँ ना, इसलिए मैं कुल्लू का रहने वाला हूँ। रिश्ता है हमारे बहुत ऊना डिस्ट्रिक्ट में। हाँ वहाँ पे मेरा दोस्त दौलतपुर में एक अम्ब में रहता है। दो दोस्त है मेरे वहाँ पे। थैंक यू भैया आपने इतना अच्छा खाना खिलाया है ना। हाँ हम ट्राई करेंगे है ना। हम तो अभी यहाँ पे है कुछ टाइम के लिए और खाना भी बढ़िया मिलेगा आपको। जैसा ऑर्डर करोगे वैसा ठीक है। अच्छा लगा यहाँ पे आके है ना। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो गाइज अगर आप में से कोई लुधियाना आता है सो यू नो वेयर यू हैव टू विजिट राइट पंडित जी के पटवाले।